Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब, आपने कल देखा होगा UCL का ड्रॉ और आप ना अभी तक फेवरेट अपने बना लिए होंगे कि भाई ये जो दो टॉप फेवरेट टीम नजर आ रही है, दो बड़ी टीम नजर आ रही है ना ग्रुप में, यही जो है वो ग्रुप पार करेगी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावना, लेकिन आज की वीडियो में मैं आंखें खोलने वाली चीजें आपको बताऊंगा जिससे तुम्हारी प्रेडिक्शन थोड़ी सी जो है वो डगमगा सकती है। मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ आज UCL में कौन सा जो है वो टीम टॉप करेगा विद सम इनसाइट जो तुम्हारी प्रेडिक्शन को शायद हिला देगा ना। पीपल आर थिंकिंग ग्रुप एफ ही जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जहां पे भाई बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ जो है वो लड़ाई झगड़ा होने वाला ग्रुप ऑफ डेथ है। बट बिलीव मी, हर एक ग्रुप में एक ऐसा अंडरडॉग छुपा हुआ है जो बड़े टीम्स को सैड कर सकता है। आज की वीडियो में हर एक ग्रुप के ऊपर नजर डालते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सी टीम बाहर निकल कर आएगी। बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप ए के साथ। तो ग्रुप ए में आपको बायर्न यूनाइटेड, कोपेनहेगन और भैया गैलेटासराय देखने को मिलेगी। चारों टीम्स अच्छे हैं लेकिन एक टीम थोड़ी सी कमजोर है और वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन विल बी भैया रोल्ड ओवर बाय एवरी अदर टीम इन दिस ग्रुप, लेकिन देयर आर मेनी लिंक्स इन दिस ग्रुप एज वेल। एक एक लिंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला लिंक हैरिकेन। हैरिकेन भैया यूनाइटेड जो है वो अपना स्ट्राइकर बनाना चाह रही थी हैरिकेन को, लेकिन हैरिकेन हैज चोज बायर्न ओवर भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इज स्टार्ट इन बायर्न हैज भाई साहब क्विकली गेन्ड वेरी गुड मोमेंटम एज वेल। उसने कुछ गोल्स भी मारे हैं, उसने कुछ असिस्ट भी दिए हैं। सो हैरिकेन का स्टार्ट बायर्न में काफी अच्छा है और हैरिकेन चाहेगा कि अब मैं UCL वगैरह के लिए भी अच्छे से कम्पीट करूं विद बायर्न। एंड ऑब्वियसली बायर्न आर कंप्लीट फेवरेट्स इन दिस ग्रुप, दे हैव टू टॉप दिस ग्रुप, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात रही मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए चीजें डिफिकल्ट होंगी जब उन लोग खेलने जाएंगे टर्की में गैलेटासराय के खिलाफ। गैलेटासराय का भैया एनवायरमेंट टर्की में एक अलग लेवल का रहता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए चीजें इसलिए डिफिकल्ट होंगी क्योंकि इन लोग एक रीबिल्ड प्रोसेस से जा रहे हैं। इस रीबिल्ड प्रोसेस में भी इनको इंजरीज हो गई है और इस रीबिल्ड प्रोसेस में इनके विंग्स उतने अच्छे काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं एंटनी उतना अच्छा नजर आ रहा है, रश्वर ठीक ठाक नजर आया है, बट इन लोग गर्नाचो खिला देते हैं, गर्नाचो भी अच्छा नहीं नजर आता है। अगर भाई आपके मिडफील्डर ब्रूनो और कैसेमिरो नहीं चले तो पूरा टीम का धक्का पेल हो जाता है। केवल भैया इंतजार रहेगी रास्मस हॉलैंड की, लेकिन रास्मस हॉलैंड भी अभी तक एक गेम भी नहीं खेले तो उनको टाइम लगेगा भैया यहाँ पे जो है वो जेलअप होने में। प्लस डिफेंस भी में जो है वो आप कह सकते हो इंजरीज वगैरह हो गई हैं, तो थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। नजर रहेगी ट्रांसफर विंडो के आखिरी दिन पे कि कोई डिफेंसिव साइनिंग होती है कि नहीं होती मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, और अगर नहीं हुई तो चीजें डिफिकल्ट होंगी गैलेटासराय के खिलाफ जब इन लोग खेले जाएंगे टर्की में। बाकी हाँ, कंप्लीट फेवरेट्स तो मैं कहूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न ही है। बायर्न है सो टॉप दिस ग्रुप, मैनचेस्टर यूनाइटेड मोस्ट प्रोबेबली सेकंड आएगी। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ग्रुप से बाहर चले जाती है ना दोस्तों, UEL चले जाती है, तो इतना इन्वेस्टमेंट करना और एरिक टेन हैग के ऊपर इतने सवाल उठेंगे दोस्तों कि मैं नहीं बता सकता। ग्रुप बी के बारे में बात कर लेता हूं, तो चीजें यहां पे भी डिफिकल्ट हैं। नाउ पीपल आर स्लीपिंग ऑन ग्रुप बी, विंग रियली वेरी ऑनेस्ट। ग्रुप एफ को जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, बट आप ग्रुप बी को भी देखिए, सेविया, आर्सेनल, पीएसवी एंड लेंस देखने को मिलेगी। सेविया पिछले सीजन के UEL के चैंपियंस, आर्सेनल पिछले सीजन के टेबल टॉपर्स थे प्रीमियर लीग के, आखिरी में लड़खड़ाए थे, मैन सिटी जीत गई थी। पीएसवी बहुत ही अच्छी भैया डच नेशनल टीम की, पीएसवी बहुत ही अच्छी भैया डच टीम। और बात रही लेंस की, तो लेंस एक पॉइंट पीछे थी पीएसजी के लीग अन जीतने के लिए। सो पीएसजी भी, तो लेंस भी काफी बेहतरीन नजर आई है पिछले सीजन। सो इस ग्रुप में भी चीजें डिफिकल्ट रहेगी। तुम कुछ ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आर्सेनल के स्टेडियम में लेंस खेलने आई है और लेंस जो है वो 1-0 हरा दी आर्सेनल को और आर्सेनल कुछ नहीं कर पाई। चीजें ऐसी हो सकती क्योंकि लेंस की डिफेंसिव गेम इज ऑन अनदर लेवल भाई। इन लोग बैक थ्री खेलते हैं, बीच में पांच मिडफील्डर, चार मिडफील्डर ऐसा लगा के खेलते हैं। लेकिन एक चीज लेंस की जो बुरी हो गई है ना, वो ये कि इन लोग अपने टॉप टू प्लेयर्स को बेच चुके इस ट्रांसफर विंडो में। पहला प्लेयर जो इन्होंने बेचा था वो था फोफाना, जो शायद अल नसर में है, और दूसरा ओपेंडा है जो भाई इनका सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड था जिसने काफी सारे गोल्स स्कोर करके पिछले सीजन लीग अन में लेंस को सेकंड पोजीशन दिलाई थी, वो भी जो है वो लाइपजिग चला गया है। तो यहां पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर लेंस के गायब हो गए, लेकिन मैनेजर तो वही है, इंटीग्रिटी तो वही है, तो लेंस चीजों को डिफिकल्ट बना सकती है इस ग्रुप में हर एक दूसरी टीम के लिए। बात रही भाई आर्सेनल की, तो आर्सेनल आर एक्सपेक्टेड टू बी द टेबल टॉपर्स ऑफ दिस ग्रुप, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर थूथू हो जाएगा आर्टेटा के ऊपर, लेकिन चीजें डिफिकल्ट होंगे। तुम जाओगे सेविया के खिलाफ खेलने के लिए स्पेन में, उनके स्टेडियम में, बहुत टफ करने वाले हैं उन लोग गेम्स को। सो इस ग्रुप में ना लाइक वी बिलीव कि आर्सेनल जो है वो टॉप आए भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड टीम है ना, वो कहीं भी आ सकती है। लाइक वो हो सकता है लेंस
फ्रांस भी आ जाए, वो हो सकता है पीएसवी भी आ जाए, पीएसवी भी काफी बेहतरीन है, अपने अच्छे दिन पे वो बीट कर सकते हैं इन टीम्स। तो एक्सपेक्टेशन तो सेविया और आर्सेनल से ही है, लेकिन सेकंड जो टीम है ना वो कोई भी आ सकती है, क्योंकि हमने देखा है सेविया को यूईएलई खेलना पसंद है और यूईएलई जीतना पसंद है। सो सेकंड टीम मैं नहीं अभी प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, लेकिन हाँ फेवरेट्स आर्सेनल एंड सेविया। अगले ग्रुप में आ जाते हैं और वो है नापोली, रियल मैड्रिड, ब्राकन, यूनियन बर्लिन। पीपल आर थिंकिंग द थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर रियल मैड्रिड हियर, इट वोंट बी इजी फॉर रियल मैड्रिड, लेट मी बी रियली वेरी क्लियर टू यू, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बात, रियल मैड्रिड वर्सेस नापोली होगा। नापोली इज राइट नाउ यूरोप में बेस्ट फुटबॉल खेलने वाली चार टॉप टीम अगर मैं चूज करूं तो एक मेरी टीम होगी नापोली भाई। विक्टर ओशिमान है, विक्टर ओशिमान के साथ रेस्पेडोरी है, आपका एंगुइसा है, किविच मोस्ट प्रोबेबली इंजरी के बाद वहां तक आ जाएंगे खेलने के लिए। नापोली विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, वो अपने होम में भी और वो अवे में भी आपके लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट करने वाले हैं। रियल मैड्रिड विल बी फेसिंग सम सीरियस इंजरी इश्यूज, कोर्तुआ बाहर है, मिलिटाओ बाहर है, विनिशियस शुरुआत के लगभग दो गेम मिस करने वाला है ग्रुप के, और भाई बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं। तो नापोली और वहाँ बेंजिमा नहीं है, है ना, जूड बेलिंगम हर एक गेम में आपको गोल नहीं मार के देने वाला है, मिडफील्डर है। थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर भाई यहाँ पे जो है वो रियल मैड्रिड, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ नापोली, मैंने आपको नापोली का बता दिया, यूनियन बर्लिन के ऊपर तुम सो नहीं सकते हो, मैं ये बात तुमको बता दे रहा हूँ। यूनियन बर्लिन एक अलग लेवल पे चल रही है, एक समय इन लोग जो है वो भैया सेकंड डिवीजन में खेलते थे, इन लोग बुंडेसलीगा में आकर के सबकी बूंद फाड़ के रख दिए हैं। बायर्न को पिछले सीजन हराया, डॉर्टमुंड को पिछले सीजन हराया है, टॉप थ्री फिनिश थी या टॉप फोर फिनिश थी पिछले सीजन बुंडेसलीगा में। इस सीजन शुरुआत के दो गेम इन लोग 4-1 जीते हैं, अटलांटा के खिलाफ प्री सीजन में 4-1 इन्होंने जो है वो जीत हासिल करी है। यू कैन नॉट स्लीप ऑन यूनियन बर्लिन, मैं तुमको ये बात आज लिख करके दे रहा हूँ, चीजें सरप्राइजिंग होंगी इस ग्रुप में। वी आर एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली रियल मैड्रिड टू टेबल टॉप दिस ग्रुप, बट दे कैन इवन फिनिश ऑन सेकंड विथ नापोली ऑन टॉप एंड यूनियन बर्लिन मे बी इन थर्ड, और मे बी यूनियन बर्लिन फिनिशिंग सेकंड ऑन दी ग्रुप, तुम नहीं कह सकते हो। ब्रागा को तो सब पेल के आ जाएंगे, बट देयर विल बी स्टिफ कॉम्पिटिशन विथ नापोली, रियल मैड्रिड एंड ऑब्वियसली यूनियन बर्लिन। दोस्तों जस्ट डू नॉट स्लीप ऑन यूनियन बर्लिन, मैं तुमको ये लिख करके दे रहा हूँ, दे आर दी डार्क हॉर्स। बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, बेनफिका, इंटर मिलान, साल्सबर्ग एंड देन रियल सोसिएडाड। रियल सोसिएडाड प्लेस दी ब्यूटीफुल फुटबॉल, इंटर मिलान प्लेस दी थोड़ा फोड़ी फुटबॉल, बेनफिका ऑन देयर गुड डे देन दे कैन डू एनीथिंग, बट वी हैव सीन देम इन यूईएल सो फार, बट वी कैन नॉट से भाई यूसीएल में भी इन लोग नजर आ जाते हैं, नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तुम ये जो है वो ग्रुप देखने भी नहीं वाले हो इनके जब मैच होंगे, बट हाँ इंटर मिलान एंड बेनफिका आर दी क्लियर फेवरेट्स इस ग्रुप में, तो मैं ज्यादा बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब बात कर लेते हैं ग्रुप ई के बारे में। दोस्तों ये भी एक वैसा ग्रुप है जो लोग सोच रहे हैं कि इजी पीजी लेमन स्क्वीजी होगा फॉर एथलेटिको मैड्रिड एंड मोस्ट प्रोबेबली लाजियो, थिंग्स विल बी डिफिकल्ट हियर एज वेल। कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सोच रहे हो कि हाँ ग्रुप एफ के मैं गेम्स देखूंगा बिकॉज थिंग्स विल बी रियली एक्साइटिंग देयर, आई सी के मैचेस देखूंगा रियल मैड्रिड वाले, बिकॉज आई मेड दैट इंटरेस्टिंग फॉर यू स्टेटिंग सम फैक्ट्स अभी वीडियो में कुछ देर पहले की चीजें डिफिकल्ट होंगी रियल मैड्रिड के लिए, तुम वो भी ग्रुप देखना पसंद करोगे। लेकिन कोई एक एंटरटेनिंग ग्रुप मैं तुमको बताऊं ना ग्रुप एफ और ग्रुप सी के अलावा, तो वो ग्रुप ई होने वाला है। दोस्तों आई नो कोई बड़ी ऐसी बहुत टीम नहीं है कि हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा, है ना, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, थिंग्स विल बी डिफरेंट हियर, मैं बता रहा हूँ क्यों। सबसे पहली बात, पेनियोड जो है वो भाई आपकी अपने पिछले सीजन के डच चैंपियंस हैं इन लोग। बात रहे एथलेटिको मैड्रिड की, एथलेटिको मैड्रिड ने अपना थोड़ा सा शिफ्ट किया है रिजीम, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अ मोर अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल, जो इज क्वाइट सरप्राइजिंग फ्रॉम डिएगो सिमियोने, अब देखो क्या करता है वो। बात रही लाजियो की, तो लाजियो में सारी हैं, सारी कैन मेक थिंग्स डिफिकल्ट यूसीएल के स्टेज में। और भाई सेल्टिक में आपका फेवरेट मैनेजर, मेरा फेवरेट मैनेजर ब्रेंडन रॉजर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो चीजें यहां पे ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, लाइक कैन यू इमेजिन एथलेटिको मैड्रिड गोइंग टू स्कॉटलैंड सेल्टिक के खिलाफ वहां पे खेलने के लिए, फिर एथलेटिको मैड्रिड इटली जा रही है लाजियो में खेलने के लिए, और फिर एथलेटिको मैड्रिड भैया नीदरलैंड्स जा रही है फेयरनॉर्ड के खिलाफ खेलने के लिए। भाई मजा आएगा तुमको देखने में वाला ग्रुप, में तुमको लिख करके दे रहा हूँ। बट हाँ ऑब्वियसली प्रेडिक्शन अगर बात कर लूं तो मेरे ख्याल से लाजियो एंड एथलेटिको मैड्रिड आर दी क्लियर फेवरेट्स। ग्रुप एफ के बारे में बात कर लेते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो मेरे ख्याल से सबके दिलों में राज कर रहा है, ये आपको फुटबॉल के उन दिनों की जो है वो याद दिलाएगा जब आपको बड़ी ही टीम्स खेलने को देखेंगे। मतलब ये एक तरीका सेमीफाइनल ही अपने आप में तुम कह सकते हो, है ना, टॉप चार टीम आपस में फिर रही है मजेदार फुटबॉल खेलने वाली, ठीक है। पीएसजी के बारे में बात कर लूं, मैसी विल बी थैंकफुल दैट भाई वो इंटर चला गया इस सीजन, वो रुका नहीं पीएसजी में, क्योंकि एवरीबॉडी नोस कि भाई यहां से पीएसजी का निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बात रही पीएसजी के बारे में, एम्बाप्पे, डेम्बेले, एक नया रिजीम शिफ्ट हुआ है पीएसजी में, रीबिल्ड चल रहा है, नया मैनेजर, और उस नए मैनेजर के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर होगा इस ग्रुप से बाहर निकलने के लिए, जो काफी ज्यादा
ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्या पता एम्बाप्पे डेडलाइन डे में भाग जाए, कुछ नहीं कह सकते हो, नहीं पता क्या होगा। बात रही भाई यहाँ पे जो है वो भैया एसी मिलान की, तो वो फेस करने वाले हैं अपने पुराने गोलकीपर डोनेरुमा को जो पीएसजी में खेलेगा, है ना। फ्यूचर प्रोडिजी लग रहा था इनको कि ये तो भाई हमारे लिए अब कह सकते हो वैसा सर्व करेगा जैसे बुफोन सर्व करे थे यूवेंटस में। ये पैसे वाली जनरेशन है मेरे दोस्त, ये चला गया पीएसजी, दे विल बी फेसिंग भाई पीएसजी। एसी मिलान इज ऑल्सो सीइंग अ रीबिल्ड इन इटसेल्फ। तुम देखो नए नए प्लेयर्स आए हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन पुलिसिच वगैरह आए हैं, तो इनको मजा आएगा देखने में, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात रही डॉर्टमुंड की, तो डॉर्टमुंड बोल रहे होंगे कि भाई मार्कोस रुयोस अभी तक जो है वो भैया रो रहा होगा, बोल रहा मेरा सपना सपना ही रह जाएगा भाई यूसीएल जीतने, कहाँ डाल दियो मेरे को। और न्यूकासल के लिए भी जो है वो थोड़ा सा सैड होगा, पहली बार आई गेस 20 सालों में दे आर गोइंग इन यूसीएल का कंपटीशन, एंड दे हैव भाई साहब बीइंग पुट इन एक ऐसा ग्रुप जो ग्रुप ऑफ डेथ, एंड दिस इज लेजिट द टफेस्ट ग्रुप आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। लाइक यूसी पीएसजी है ना, पीएसजी भैया टॉप लेवल की टीम है, यूसी डॉर्टमुंड दे कैन सरप्राइज यू जब तुम जर्मनी में खेलने जाओगे उनके खिलाफ, फिर तुम जाओगे एसी मिलान भाई, क्लियर सम ऑफ द फेवरेट्स भाई एसी मिलान यहां पे, ठीक है। फिर न्यूकासल भाई एक ऐसा रीबिल्ड कर रहे हैं कि प्रीमियर लीग के बड़े बड़े टीम्स की भैया धजिया उड़ा करके इन्होंने रख दी है। सेंट्रो टोनाली भी एसी मिलान के खिलाफ खेलने जाएगा, तो चीजें विल बी डिफिकल्ट हियर। बट हाँ, अगर मैं बोलूं कि फेवरेट्स कौन होगा तो एसी मिलान एंड पीएसजी नजर आ रहा है कि उन लोग छेड़ सकते, बट पीएसजी न्यूकासल भी हो सकता है। बट इफ बाय चांस पीएसजी यूईएल चले जाती है, कैन यू इमेजिन एम्बापे प्लेइंग इन यूईएल भाई, दिस विल बी द एंड फॉर एम्बापे भाई पीएसजी में। एम्बापे बोलेगा मैं जा रहा हूँ भाई, अब मेरे को नहीं रहना, मैं डाउनफॉल देखने के लिए तैयार हूँ पीएसजी का, मैं पीएसजी को यूईएल जाते हुए देखने के लिए तैयार हूँ भाई। ये ग्रुप में ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को पीएसजी यूईएल में चाहिए भाई, बस मजा आ जाएगा भाई देख करके। बाकी तो इंटरेस्टिंग ग्रुप है भाई, इसमें कोई डाउट। ग्रुप जी के बारे में बात कर लूं, चीजें इजी है यहाँ पे, कुछ ज्यादा प्रिडिक्ट करने लायक नहीं है। लाइपजिग मैन सिटी आर द क्लियर फेवरेट्स, अब भाई लाइपजिग तो पेल देती है मैनचेस्टर सिटी भाई 6-1-7 ऐसा कुछ भाई इनके स्कोर लाइन था पिछले सीजन, सो मैन सिटी क्लियर फेवरेट्स, लाइपजिग भी सेकंड फेवरेट। अब बात कर लेते हैं ग्रुप एच के बारे में। नाउ पीपल आर थिंकिंग द बार्सा फैंस आर बीइंग डेलुलुलू, डेल्यूजनल हो जा रहे हैं भाई, डेलुलुलू हो जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि भाई अरे सबसे इजी ग्रुप आए हैं हम लोग, ऐसा है अबे यार तुम समझ नहीं रहे हो, चीजें डिफिकल्ट है बार्सिलोना के लिए भाई। मैं मान रहा हूँ शावी इज द क्लियर फेवरेट टू टेबल टॉप दिस ग्रुप, एंड ही हैज बिकॉज़ ही हैज नाउ नो एक्सक्यूज कि भाई मैं तो टफ ग्रुप में आ गया था, इंजरीज थी। इवन विद इंजरीज यू कैन स्मैश दीज टीम्स, यू कैन बी इन राउंड ऑफ 16। आई एम नॉट सेइंग कि तू टेबल टॉप ही कर, यू हैव टू टेबल टॉप, बट टू सेकंड टू फिनिश इजी कर सकता है, लेकिन अगर तू अगर सेकंड फिनिश भी नहीं कर पाया भाई, तो शावी को एक बार बैठा करके समझाना पड़ेगा और उसको भेजना पड़ेगा कहीं और भाई, गो टू चाइनीज, यू नीड टू लर्न चाइनीज बडी, ऐसा करना पड़ेगा शावी के साथ। तो बार्सिलोना आर द क्लियर फेवरेट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट चीजें क्यों डिफिकल्ट होंगी मैं बता दे रहा हूं। पोर्टो है, पोर्टो में आपका खुद नीको आपको खेलने आएगा है ना, नीको गोंजालेस। मोर ओवर भाई मैं आपको एक और बात बताऊं, वी हैव सीन पोर्टो भैया लिमिटिंग सम बिग टीम्स इस कंपटीशन से, तो पोर्टो टफ है भाई, पोर्टो को तुम इजी मत लेना, तुम जाओ कि पुर्तगाल खेलने के लिए इनके खिलाफ, दे विल मेक चीजें डिफिकल्ट फॉर यू। बात रही शाख्तर के खिलाफ भाई, शाख्तर हैज बीन ग्रुप्ड विद रियल मैड्रिड पिछले कुछ सीजंस में यूसीएल के, एंड शाख्तर सैंटियागो बर्नबेउ में आकर के कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है। जब आप शाख्तर के खिलाफ खेलने जाओगे तक वहां पे भी जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा काफी ज्यादा बैकलैश। यू हैव द बेस्ट टीम बार्सिलोना, बट थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यू अगेन शाख्तर बोथ इन होम एंड इन अवे गेम्स एज वेल, सो तुम शाख्तर को हल्के में मत लेना। बात रही भाई ये रॉयल एंटवर्प की, तो मैं तुमको एक चीज बता दे रहा हूं, इन लोग प्लेऑफ से आए हैं, और एक हर एक टीम जो प्लेऑफ से आती है ना दोस्त, वो चीजें डिफिकल्ट करती है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी यूसीएल में दो लेग खेल चुका है अगेंस्ट अ टीम जो कंटेंशन में थी प्लेऑफ में, यू नो आगे बढ़ने के लिए, और इनकी मैच एथेंस के खिलाफ हुई थी, और एथेंस वर द क्लियर फेवरेट्स की भाई, एथेंस तो आराम से एंटवर्प को हरा देगी, बट ये अंडरडॉग हो करके उनको दोनों लेग में हरा करके यहाँ पे पहुंचे हैं। तुम अगर ये सोच रहे हो कि रॉयल एंटवर्प के खिलाफ तो भाई इजी हो जाएगा हमारे लिए, नहीं होने वाला है इजी। अगर बार्सिलोना इस ग्रुप से बाहर निकलेगी तो वो अपने दम पे निकलेगी, और अगर बार्सिलोना ये ओवर कॉन्फिडेंट होकर के सोची ना कि वी आर द क्लियर फेवरेट्स, हम तो सबसे इजी ग्रुप में आए हैं, हमारे पास तो द बेस्ट प्लेयर्स हैं, नहीं है तुम्हारे पास बेस्ट प्लेयर, वो बेस्ट प्लेयर यूसीएल के कॉम्पिटिशन में नहीं चलते, और अगर तुमको लग रहा है कि चीजें इजी होंगी तुम्हारे लिए तो तुम डेलुलुलू में हो, मैं तुमको फिर से कह दे रहा हूं भाई, डेल्यूजनल चीजें बात मत करो, डेल्यूजन में मत जियो, थिंग्स विल बी डिफिकल्ट अगेंस्ट पोर्टो एंड शाख्तार एज वेल, चीजें आर डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना ओवर हियर, बट शावी हैज टू टेबल टॉप दिस ग्रुप, इसमें कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है। तो यही है दोस्तों मेरा जो है वो भाई प्रेडिक्शन के साथ मैंने खत्म करा है आज का जो है ये प्रीव्यू, काइंड ऑफ प्रीव्यू टाइप का सेटअप। अगर आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, सब्सक्राइब कर दो, वी आर वेरी क्लोज टू 100k सब्सक्राइबर्स, कुछ इनसाइट्स जिससे शायद तुम्हारी प्रेडिक्शन ऊपर नीचे हुई होंगी, लेट मी नो कि मेरे ओपिनियन और आपके ओपिनियन कितने मिल रहे हैं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।
थोड़ी देर बाद। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ।